चलिए दोस्तों, आज की वीडियो हम ज्यामिति में कोणों के प्रकार जानेंगे। हमारे कोण कितने प्रकार के होते हैं और कौन से कोण में कौन से कितनी डिग्री का कोण बनता है। तो सबसे पहले हम जानेंगे न्यून कोण कौन सा होता है, न्यून कोण में कितनी डिग्री का कोण बनता है। इसके बाद हम समकोण के बारे में जानेंगे, हम समकोण कोण को कैसे पहचानें, इसमें कितनी डिग्री का कोण बनता है। इसके बाद हम अधिक कोण, बृहत कोण, ऋजु कोण, इसका दूसरा नाम होता है सरल कोण, और पूर्ण कोण, इन सभी कोणों को हम एक एक करके समझेंगे। तो सबसे पहले हम समझेंगे न्यून कोण के बारे में। तो यहाँ हम हेडिंग बना लेंगे न्यून कोण की, न्यून कोण। दोस्तों, जो हमारा न्यून कोण होता है, जिसमें जो कोण बनता है वो 0 डिग्री से तो बड़ा होता है, लेकिन 90 डिग्री से छोटा होता है। तो ये कोण हमारा 0 डिग्री और 90 डिग्री के बीच में बनता है। चलिए इसको हम स्केल के माध्यम से आपको समझाते हैं कि कोण किस प्रकार का होता है। तो पहले मैं स्केल के माध्यम से एक लाइन इस तरफ के लिए खींचूंगा और एक लाइन इस तरफ के लिए खींचूंगा। इसको नाम दे दूंगा ए, बी और सी। यहां मैं कोण थीटा मान लूंगा। तो जो हमारा न्यून कोण होता है, इसमें कोण 0 डिग्री से कैसा होता है, बड़ा होता है, और 90 डिग्री से कैसा होता है, छोटा होता है। इस प्रकार के कोणों को हम न्यून कोण कहते हैं। चलिए अब हम समकोण के बारे में समझेंगे, हमारा समकोण कौन सा होता है और इसको हम कैसे पहचाने कि ये कोण हमारा समकोण कोण है। तो यहाँ हम हेडिंग बना लेंगे समकोण। तो दोस्तों, जो हमारा समकोण होता है, इसमें जो कोण बनता है वो 90 डिग्री का कोण बनता है। ऐसा कोण जिसकी माप 90 डिग्री हो, वह कोण हमारा कैसा होता है, समकोण कोण होता है। तो मैं आपको समकोण बना के बताता हूं कि किस प्रकार का समकोण बनता है। तो एक लाइन हम इस तरफ खींचेंगे, एक लाइन हम इस तरफ के लिए खींचेंगे। और इसको नाम दे देंगे ए, बी और सी। यहाँ कोण बनता है वो कितनी डिग्री का बनता है, 90 डिग्री का कोण बनता है। तो दोस्तों, जो हमारा समकोण होता है, इसमें कितनी डिग्री का कोण कोण बनता है, 90 डिग्री का कोण बनता है। चलिए अब हम इसके बाद जानेंगे अधिक कोण कौन सा होता है। तो यहाँ हम हेडिंग बना लेते हैं अधिक कोण। तो दोस्तों, ऐसा कोण जो 90 डिग्री से तो बड़ा होता है, लेकिन 180 डिग्री से छोटा होता है। ये हमारा कोण 90 डिग्री से तो बड़ा होता है, लेकिन 180 डिग्री से कैसा होता है, छोटा होता है। इसको हम स्केल के माध्यम से समझ लेते हैं। मैं इस कोण बनाता हूं। तो पहले एक लाइन इस तरफ खींच लेंगे और एक लाइन इस तरफ खींच लेंगे। इस प्रकार का हमारा अधिक कोण होता है। तो इसको हम नाम दे देंगे, इसको ए, इसको बी और इसको हम पी मान लें। यहाँ कोण क्या आप मान लेंगे हम टीटा। तो इसका अधिक कोण होता है वो हमारा 90 डिग्री से कैसा होता है, बड़ा,
90 डिग्री से बड़ा और 180 डिग्री से छोटा होता है। तो इस प्रकार का कोण हमारा अधिक कोण होता है। चलिए इसके बाद हम समझेंगे ऋजु कोण या सरल कोण के बारे में। तो मैं यहाँ हेडिंग बना लेता हूँ, ऋजु कोण या सरल कोण, ये हमारा कौन सा कोण होता है इसके बारे में हम समझ लेते हैं। तो चलिए अब हम ऋजु कोण के बारे में समझेंगे। तो पहले मैं स्केल के माध्यम से एक लाइन खींच लेता हूँ और मैं इसको इसके माध्यम से आपको समझाऊंगा। तो दोस्तों ये हमारी लाइन है और मैं इसको नाम दे देता हूँ ए, इसको बी और सी, इसको मैं नाम दे दिया बी सी, और यहाँ मैं एक कोण रखूँगा। तो दोस्तों जो हमारा ऋजु कोण होता है तो ऐसा कोण जिसकी माप 180 डिग्री हो। जो ऋजु कोण होता है इस पर कोण कितना बनता है, 180 डिग्री का बनता है। यहाँ से यहाँ तक कितना होता है 90 और यहाँ तक 180, इसको नाम मैं ए दे दूँ। तो जो हमारा ऋजु कोण होता है इसमें कोण कितने डिग्री का बनता है, 180 डिग्री का। तो यहाँ टीटा का मान क्या निकल के आएगा हमारा, 180 डिग्री। अब दोस्तों इसके बाद हम समझेंगे बृहत्तम कोण। नंबर 5 पर कौन सा है हमारा, बृहत्तम कोण। हमारा बृहत्तम कोण कौन सा होता है, तो दोस्तों ऐसा कोण जो 180 डिग्री से बड़ा और 360 डिग्री से छोटा हो, हमारा बृहत्तम कोण कहलाता है। इसको हम चित्र के माध्यम से समझ लेते हैं। तो पहले एक लाइन इस तरफ खींच लेंगे, एक लाइन हम इस तरफ के लिए खींच लेंगे, इसको नाम दे देंगे ए, बी और सी, वृत्तकोण हमारा क्या बनता है, यहाँ बनता है 180 डिग्री से बड़ा और 360 डिग्री से छोटा, हमारा कौन सा कोण कहलाता है, वृत्तकोण कहलाता है। 180 डिग्री से बड़ा और 360 डिग्री से छोटा। अब इसके बाद हम समझेंगे हमारा पूर्ण कोण कौन सा होता है। पूर्ण कोण, तो दोस्तों जो हमारा पूर्ण कोण होता है इसमें जो कोण बनता है वो हमारा 360 डिग्री का बनता है। पूर्ण कोण में हमारा कौन सा कोण बनता है, 360 डिग्री का। इसमें जो थीटा का मान क्या होता है, 360 डिग्री। तो इस प्रकार के हमारे सभी कोण होते हैं। तो अगर दोस्तों आपकी हमारी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब करें। जय हिंद।